Hello and Jain student, welcome back to your own channel, Sir Tarun Pani, exclusive channel for ICSE board students. और जब बात करेंगे किसी महान व्यक्ति के न रहने पर हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है, क्या हम कल्पना कर सकते हैं उनके बिना जीना, और उनके न रहने के बाद हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसी पर ये पोम है, When Great Trees Fall. माया एंजेलो एक ब्लैक अमेरिकन है और इन्होंने बचपन में भी बहुत सारे ट्रॉमा और त्रासदी झेली है। एक सिविल राइट एक्टिविस्ट है, इन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और मेलकॉम एक्स के साथ मिलकर के सिविल राइट मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने बहुत सारे ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स लिखी है। अपने फ्रेंड और सिविल राइट एक्टिविस्ट जेम्स बेल्डविन के डेथ पर माया एंजेलो ने यह पोम लिखी, When Great Trees Fall. ये पोम इन्होंने रिसाइट भी की थी उनके फ्यूनरल पर, और अब ये पोम की एक एक लाइन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइए पोम की एक एक लाइन, एक एक वर्ड को समझते हैं डिटेल में। When Great Trees Fall, ये एक मेटाफोरिकल पोम है जिसमें ट्रीज के फॉलिंग इन द जंगल को कंपेयर किया गया है लॉस ऑफ द ग्रेट पीपल। दोनों में कॉन्ट्रास्ट है और क्या है वो इस डिटेल में समझेंगे। तो जब एक बड़ा विशाल वृक्ष जंगल में गिर जाता है तो क्या होता है, दूर पहाड़ों पर, डिस्टेंट मतलब फार अवे, तो दूर पहाड़ों पर जो रॉक्स होते हैं वो भी कांप जाते हैं, शडर मींस शेक करना, और लॉयंस हंकर डाउन इन द टॉल ग्रासेस, शेर जो जंगल का राजा होता है वो भी पेड़ के गिरने पर डर जाता है, झुकता है टॉल ग्रासेस के नीचे, और हाथी जो अपनी ऊंचाई, अपनी शक्ति, अपने बड़े शरीर के लिए जाना जाता है वो भी लंबर करने लगता है। लंबर मतलब होता है मूव स्लोली करता है सेफ प्लेस में जाने के लिए। तो सारे ताकतवर चीज प्रकृति की हिल जाती है, कांप जाती है अंदर तक किसी बड़े ट्री के गिर जाने पर। तो और क्या इफेक्ट पड़ता है, जब ग्रेट ट्रीज गिरती है जंगलों में तो छोटी चीजें भी, अर्थात स्मॉल एनिमल्स भी, स्मॉल इंसेक्ट्स भी, वो सब भी क्या करने लगते हैं, रिकॉइल कर जाते हैं, अर्थात वो कम बैक, जैसे कि कोई चीज बाहर निकल गई हो और वो अचानक पीछे आ जाए तो उसे कहते हैं रिकॉइल करना। तो श्रिंक कर जाते हैं, एक जगह करके बैठ जाते हैं और साइलेंट हो जाते हैं, एक कंप्लीट साइलेंस छा जाता है इन स्मॉल लिविंग ऑब्जेक्ट्स के पास भी। इनके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं, अब ये फील नहीं कर पाते हैं, डरना तो दूर की बात है, मतलब फियर के बियॉन्ड का सेंस जो है ये इनके साथ महसूस होता है। और क्या होता है देखिए, तो जब ट्रीज की बात कर रहे थे, ट्री के फॉलिंग की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे किसी महान व्यक्ति के मरने पर। कभी आपके घर में कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स या कोई ऐसा रिलेटिव जो आपको बहुत चाहता था, उसके डेथ होने पर हम कैसा महसूस करते हैं, इमेजिन करिए महात्मा गांधी, बापू, जब उनकी डेथ हुई तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक अजीब सी शांति आ गई, एक बड़ी सी खामोशी आ गई, और दुनिया खत्म नहीं हुई, दुनिया रुकी नहीं, यही इस पोम का एक मेन मैसेज भी है। तो जब कोई महान व्यक्ति मरता है तो हमारे आसपास की हवा लाइट, रेयर और स्टराइल हो जाती है। स्टराइल का मतलब होता है जो लाइफलेस हो, ऐसा लगता है मानो किसी ने हमारे रूम से सारी एयर सक कर ली है और हम वैक्यूम में है। किसी महान व्यक्ति के, किसी अपने के चले जाने पर हम ऐसा महसूस करते हैं, हमारी आंखें देखती हैं पर हमारी दृष्टि क्लियर नहीं होती है, हमारा विजन क्लियर नहीं होता है, हम देखते हैं तो सिर्फ दर्द और सिर्फ तकलीफ भरी अंडरस्टैंडिंग से, यह जानते हुए कि अब वो नहीं मिलेगा जो हमारे बीच से चला गया। हम सांसें लेते हैं तो थम के लेते हैं, रुक के लेते हैं, स्लो ब्रीथ ले पाते हैं, और तो और हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त अचानक तेज हो जाती है। सही सुन रहे हैं, हम शार्पन्ड मेमोरी वाले हो जाते हैं कुछ पलों के लिए, पर हमारी मेमोरी सिर्फ हमारे जो व्यक्ति जिनकी डेथ हुई है उनके प्रति मेमोरी शार्पन्ड हो जाती है, हम उनके बारे में सोचते हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या पल बिताए, तो उनके साथ बिताए लम्हों को हम याद करते हैं कि हमने उनके साथ कैसा वक्त बिताया। और तो और इट ग्नॉस ऑन द काइंड वर्ड्स अनसेड, ग्नॉस शब्द का मतलब होता है रिमाइंड पेनफुली, वैसे तो हमको एक दर्द भरी, एक दर्द भरी एक फीलिंग आती है अपने अंदर कि हमने जो उनके साथ बात करनी थी, जो हमें अच्छे शब्द उनको कहने थे हम नहीं कह पाए, और याद आता है कि हमने जो प्रॉमिस किया था उनके साथ वॉक पर जाने का, हमने प्रॉमिस किया था जो उनके साथ समय बिताने का, वह समय अब नहीं मिलेगा, यह दोनों ही मौके हमने खो दिए, कुछ
कहने का और अपनी उनके साथ समय बिताने का, यह दोनों मौके अब हमने खो दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रेट सोल अब जा चुकी है। तो व्हेन ग्रेट सोल डाई एंड अवर रियलिटी बाउंड टू देम, तो हम जो उनके साथ अटैच्ड थे, हमारा सेंसेस उनके साथ जुड़ा हुआ था, टेक्स लीव ऑफ अस, अर्थात हम रियलिटी में इसको मानने से मना कर देते हैं। जब हमारा कोई अपना, हमारा कोई प्यारा हमसे छूट के चला जाता है, हम इसको बिलीव करने से मना कर देते हैं। बट आप जानते ही हैं, जो हो चुका है उसको वापस नहीं किया जा सकता। अवर सोल्स डिपेंडेंट अपॉन देयर नर्चर, हम खुद भी उस डेथ व्यक्ति के साथ डिपेंडेंट थे, हम उनके बताए रास्तों पर, उनके बताए मैसेजेस पर, उनके बताए थॉट्स पर हम जी रहे थे। तो ये सब हमें अब नहीं मिलेगा। तो हम जैसे कहते हैं ना, एक पेड़ को पानी मिलता है, खाद मिलती है, धूप मिलती है, तो वो नर्चर कर जाता है, ग्रो कर जाता है। पर हमारे पास तो हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो हमारा केयर करने वाला व्यक्ति है, वो नहीं रहा। तो वी श्रिंक, हम श्रिंक करने लगते हैं, हमारी ग्रोथ रुक जाती है, और हम श्रिंक करते करते वाइजेंड हो जाते हैं। वाइजेंड मतलब होता है श्रिविल्ड कर जाना, ऊपर से सूख जाना। जैसे किसी पेड़ को आप पानी ना दीजिए, किसी पेड़ को धूप ना मिले, तो उसकी पत्तियां मुरझा जाती है, सूख जाती है। वैसा ही हमारे साथ भी होता है। हमारे माइंड्स, अवर माइंड्स फॉर्म्ड एंड इनफॉर्म्ड बाय देयर रेडियंस ऑल अवे। तो हमने जो सीखा, हमने जो अनुभव पाया जीवन का, वो इन्हीं से पाया। तो फॉर्म्ड मतलब हमने बनाया। आज जो हमारे विचार है, आज जो हमारी थॉट प्रोसेस है, वो इन डेट पीपल की वजह से है जिन्होंने हमारे साथ समय बिताया। तो हम उनसे फॉर्म्ड भी हुए और उन्होंने हमें इन्फॉर्म भी किया, हमें रियल लाइफ का, प्रैक्टिकल लाइफ का, जीवन का अनुभव दिया। तो ये दोनों ही हम क्या कर पा रहे हैं, अब महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हमारी मेमोरी अब इस बारे में कमजोर हो चुकी है, यह सोच करके कि अब क्या होगा। तो अवर माइंड्स फॉल अवे। तो जिन रेडियंस से, जिस रोशनी से, जिस प्रकाश से हमारा यह मन, हमारा यह शरीर प्रकाशवान था, आज वो रोशनी हमसे दूर जा चुकी है। वी आर नॉट सो मच मेडेंड एज रिड्यूस्ड टू द अनअटरेबल इग्नोरेंस ऑफ डार्क कोल्ड केव्स। अब हमारी स्थिति हमारे लव्ड वन के डेथ होने पर कैसी होती है वो देखिए। हम पागल तो नहीं होते हैं, मतलब हमारे सेंसेस खत्म हो जाते हैं, हम पागल हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। बट हमारा बोलने की इच्छा खत्म हो जाती है, हमारे पास अब वो शब्द नहीं होते हैं कि हम क्या बताएं, किस तरीके से अपना दुख जताएं। तो ऐसा लगता है कि हम एक डार्क कोल्ड केव, कल्पना करिए, एक गुफा है, एक गुफा है, अंधेरी ठंडी, जहां सिर्फ अंधेरा है, वहां हम जैसे लगता है आके खड़े हो गए हैं। और ये गुफा हमारे माइंड का इग्नोरेंस है, हम सोच नहीं पा रहे हैं कि करे क्या, व्हाट टू डू। एंड व्हेन ग्रेट सोल्स डाई, ध्यान दीजिएगा, एनाफोरो का यूज हो रहा है बार 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 बार, आप देखें, व्हेन ग्रेट सोल डाई, इसका रिपीट हो रहा है कुछ लाइंस के बाद, इसका रिपीट हो रहा है। इस फिगर ऑफ स्पीच को एनाफोरा कहते हैं। तो एंड व्हेन ग्रेट सोल्स डाई आफ्टर अ पीरियड पीस ब्लूम्स। तो क्या हमने कोई सोल्यूशन नहीं मिला, हमें हम हमेशा ही इग्नोरेंट रहेंगे, ट्रबल्ड रहेंगे? नहीं। कहते हैं समय सबसे बलवान है, और समय समय सारे दुखों को भर देता है। तो हमारे लव्ड वंस के जाने पर एक पीरियड ऑफ पीस भी आता है, एक समय आता है जब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हील्ड अप हो जाते हैं। वो जो चोट लगी थी, वो जो हमें घाव मिले थे, वो जो हमें दुख सहा था, वह सब धीरे 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 बैठने लगता है, एंड स्लोली एंड ऑलवेज इररेगुलरली। ये दर्द, ये पीरियड ऑफ पीस अचानक नहीं आता, धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे हम एक्सेप्टेंस के मोड में चले जाते हैं कि हमारे प्यारे जो मर चुके हैं वह अब नहीं लौटेंगे, या धीरे धीरे हम एक्सेप्ट करने लगते हैं। और इररेगुलरली, बीच बीच में ऐसा नहीं भी होता है, हम थोड़े ट्रबल भी हो जाते हैं बीच बीच में, पर पीरियड ऑफ पीस एक समय आता है जब हम हील्ड अप हो जाते हैं, जब हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाते हैं। स्पेस इज फिल्ड विद अ काइंड ऑफ सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे लव्ड वंस के न रहने पर एक सूदिंग वाइब्रेशंस रहती है, एक ऐसी वेव्स रहती हैं जो धीरे धीरे हमारे आसपास के सराउंडिंग को फिल कर देती हैं और हमें काम डाउन करती रहती है। वी फील दैट स्लोली एवरीथिंग इज टू बी सेटल्ड। तो ये जो पैराग्राफ है पोम का, वो कह सकते हैं कि सारे ट्रबल के बाद, सारे तूफान के बाद एक शांति का है, मतलब सारी तकलीफें सहने के बाद अब हम धीरे धीरे अपने वापस नॉर्मल रूटीन में आ रहे हैं। देखिए क्या होगा, अवर सेंसेस रिस्टोर्ड, हमारे सेंस जो पहले नंब हो गए थे, हम फील नहीं कर पा रहे थे सिवाय दर्द के और कुछ भी, अब हम फील कर रहे हैं, हमारे सेंसेस रिस्टोर हो रहे हैं, नेवर टू बी सेम। पर वो डेथ के पहले, ग्रेट
पर्सन की डेथ से पहले किसी ने नहीं पहुंच पाए हैं. नेवर टू बी द सेम विस्पर्ड टू अस. तो हमारे सेंसेस हमें याद दिलाते हैं कि कभी भी हम वापस उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे जब हम अपने लव्ड वंस के साथ थे, क्योंकि वो तो अब जा चुके हैं. तो हमारे सेंसेस ये हमें बताते रहते हैं, स्लोली बताते हैं, दे एग्जिस्टेड. दो बार आ गया रिपीटेशन है ना. तो इसका अर्थ है कि ये बात हमें हमेशा कबूल करनी पड़ेगी कि हमारे लव्ड वंस हमारे साथ थे और उनका चले जाना, बट हमारे अंदर उनके जो विचार, उनके जो थॉट्स, उनके जो आइडियाज बस गए हैं, ये हमेशा एग्जिस्ट करेंगे. तो हमारे लव्ड वंस गए हैं, हम अभी हैं, हम उनके बनाए हुए हैं, उन्होंने हमें बनाया. आज हम जिस रूप में हैं, आज हमारे पास जो थॉट है, आज हमारा जो शरीर है, आज हमारा जो माइंड है, सब कुछ उनका दिया हुआ है. तो आज उनके रूप में हम एग्जिस्ट करते हैं. इसीलिए वी कैन बी, तो हम भी उनके जैसा बनना चाहें, ये इंस्पिरेशन है इस पोम की. कि हमें भी क्या करना चाहिए, हमारे लव्ड वंस को एज अ सिंबल, एज अ मॉडल मानते हुए उनकी तरफ बनने की कोशिश करनी चाहिए. तो वी कैन बी, हम भी उनकी तरफ बन सकते हैं, बी एंड बी बेटर, क्योंकि उनका साया हमारे साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, उनका समय जो उन्होंने मेरे साथ बिताया ये हमारे साथ है. तो हम बन सकते हैं, हम और बेटर बन सकते हैं, जो आज है इससे और बेटर बन सकते हैं, फॉर दे एग्जिस्टेड, क्योंकि वे कभी ना कभी हमारे साथ थे. तो आई होप ये पोम आपको एक याद दे जाएगी अपने किसी लव्ड वंस के न रहने की. आपके कोई ग्रेट पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या कोई रिलेटिव डेथ कर गया है तो उनकी याद दे जाएगी, और याद कर दे गई है तो प्लीज उसका नाम मैसेज में जरूर डालिएगा. और फिर से कहूंगा कि एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन सिंपल से सिंपल वर्ड्स में हम आपको सारी पोम्स का दे रहे हैं, इस सारा एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में शेयर कर दूंगा. तो मिलते हैं अगली पोम में आपके कहने पर. बाय, टेक केयर.